सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। जो सिस्टम में बैठते नहीं है उनको कोरोना की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो यही सबसे बड़ा फेलियर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लोक प्रतिनिधि का कंट्रोल नहीं है, प्रशासन को जो ज़रूरत है, जो आदमी सही है उसको काम नहीं दिया जा रहा, लेकिन बाहर से सिर्फ पोस्टिंग के लिए यहाँ पे नवी मुंबई में यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, इनका अनुभव नहीं है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई। जिनको जिम्मेदारी दी आज वो जिम्मेदारी से भाग गए, हमारे एमओएच और जिनके ऊपर कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आज वो कहाँ पे हैं? तो ऐसे आदमी को आपने सिलेक्ट ही क्यों किया कि जो आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो क्वालिफाई नहीं है, इस आदमी को उन्होंने वहाँ पे ये जवाबदारी नहीं देनी चाहिए थी। ये नवी मुंबई के लोगों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। जो पहले समय जो गलत डिसीजंस लिए गए कि यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल की निर्मिति एग्जीबिशन हॉल में की गई, उसका इनोग्रेशन का उन्होंने प्लानिंग किया, अरे यहाँ पे लोगों को सुविधा की ज़रूरत है, लोगों को बेड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या आपको इनोग्रेशन करना है? वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे विमेंस के लिए मेंस के लिए आपने वर्गीकरण किया नहीं गया, ऑक्सीजन्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। अगर सिर्फ आप दिखाने के लिए ये चीज़ करना चाहते हो और उसके बाद में इनॉग्रेशन करना चाहते हो तो उनकी सोच कितनी गलत है ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आपने जो रीडिंग ली वो गलत ली, रीडिंग किसने ली? आपने एवरेज बिल क्यों दिया? एवरेज बिल देना ये गलत बात है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, जो बिजनेस है वो बंद पड़ा है और हेल्थ के इशू में लोगों को तकलीफें हो रही है, और ऐसे समय अगर आप गलत तरीके की रीडिंग करके अगर गलत बिल लोगों को भेजेंगे तो लोगों के ऊपर ये अन्याय है। हालांकि ये बिल आप लोगों को माफ़ करना चाहिए, अगर नहीं माफ़ कर सकते जो भी डिस्काउंट आपने किया उसको भरने के लिए आपने उनको शेड्यूल देना चाहिए, और इस स्थिति में ये परिस्थिति के बाद में भी अगर कोई बिल नहीं भर पा रहा है तो उसको अपने थोड़ा संभलना चाहिए, उसकी बिजली नहीं काटनी चाहिए। हम लोगों ने महावितरण को, एनर्जी मिनिस्टर को यहाँ पे पत्र दिया है, वाशी ऑफिस में जाके अलग अलग जो नवी मुंबई में ऑफिस है वहाँ पे जाके बताया कि आप लोग जब तक ये रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हम हमारा आंदोलन शुरू रखेंगे। हमारी मांग है कि वो बता दे कि आपका बिल लेके आओ और चेक करो और कम करो। ये कौन सी बात है? आप यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, आप गलत बिल भेजते हैं, गलत बिल भेज के आप लोगों को क्यू में आके वापस वो रेक्टिफाई करने के लिए देख रहे, आपने खुद वो समझ के उसको कम करके लोगों को भेजना चाहिए और लोगों का बिल काटने की चेष्टा उनके माध्यम से नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी कनेक्शन उन्होंने काटा तो हम लोग रस्ते पे उतरेंगे। यह आह्वान आदरणीय नाइक साहब ने और उनके साथ काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं ने आज महावितरण को सूचित किया है। जो अनुभव मुझे मिला है, जो विश्वास नवी मुंबई के लोगों ने मेरे प्रति व्यक्त किया है, उस अनुभव का उपयोग नवी मुंबई के विकास के लिए करना ये मैं मेरी खुशनसीबी समझता हूँ, और पद पे रहना या न रहना काम करने के लिए जरूरी है ऐसा मुझे नहीं लगता। लोगों को क्या जरूरी है, लोगों की क्या समस्या है, कॉमन लोगों को एक मिनिस्टर एक्सेसिबल होना चाहिए, और सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम पे नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हर हफ्ते हर महीने उनका कोऑर्डिनेशन और कांटेक्ट ये
जनता के साथ होना चाहिए और एक अच्छा प्रयास जनता दरबार के माध्यम से हमेशा ही आदरणीय नाइक साहब ने किया है। नवी मुंबई में हर हफ्ते आदरणीय नाइक साहब का जनता दरबार कोऑर्डिनेट किया जाता। जो मरीज है उनको अच्छे ट्रीटमेंट देने के लिए मैं मेरे अनुभव का उपयोग करूंगा, ये चीज़ उन्होंने हमें कही और उससे एक हम लोगों में भी एक मोटिवेशन आया कि इस समय हमें ये पैंडेमिक है लेकिन इस समय घर पे बैठ के तो काम नहीं चलेगा, हमें खुद को संभालते हुए, हमारे कुटुंब को संभालते हुए, हमें हमारे शहर को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। और ये शुरुआत हुई और जब भी हमारे लीडर जब भी एक उद्दिष्ट के साथ हमें कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तो सब लोगों में भी जोश आता है और सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी कुछ कर सके वो करने का प्रयास करते हैं। हर हफ्ते उनके माध्यम से कुछ सूचनाएं नागरिकों को पहुंचाने का प्रयास किया गया, जहां जहां पे भी उनकी विजिट की आवश्यकता थी वहां पे विजिट्स किए गए। महानगर पालिका के माध्यम से जहां पे अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है लेकिन उसमें जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से न होते समय उनकी सूचनाएं भी आदरणीय नाइक साहब ने हर क्षेत्र को दिए। हालांकि नवी मुंबई महानगर पालिका में नाइक साहब कभी गए नहीं लेकिन आज मेरी ज़रूरत, मेरे अनुभव की ज़रूरत इस शहर को है। मेरा जो अनुभव है, जो विश्वास नवी मुंबई के लोगों ने मेरे प्रति व्यक्त किया और ये समय है कि मेरे अनुभव का इस्तेमाल इस समय में करूं, तो हर हफ्ते अपनी सूचनाओं के साथ आदरणीय नाइक साहब महानगर पालिका में जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ जाते नहीं है, जिस चीज़ों का उन्होंने जो सूचनाएं किए वो सूचनाएं पूरे होने की कहाँ तक वो बात गई, वो कंप्लीट हुई कि नहीं और दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ तक एक एक चीज़ का फॉलोअप उनके माध्यम से किया गया है।